हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजा और लाइफस्टाइल में मैं ठीक हूँ। तो आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं तो गाइस दिन की शुरुआत हो चुकी है, मैं नहा के आ चुकी हूँ, मैंने अपना स्किन केयर रूटीन कर लिया है और मैंने पानी वानी खूब पी लिया अच्छे से। और तो अभी तो टाइम हो चुका है 8 ही बजे में, तो अपना जो समय अपना इंटरमीडिएट फास्टिंग है तो उसका मील लेती हूँ मैं 12 बजे। तो तब 12 बजे मैं मील लूंगी तभी आपसे मिलूंगी। तो अभी मैंने अपना पूरा घर भी अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लिया और ये मेरा चिंटू पागल अच्छे से बैठ के बहुत अच्छे से मेरी बातें सुन रहा है। ये देखो चिंटू, चिंटू बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया और ये बहुत अच्छे से मेरी बातें सुन रहा है। चिंटू, यस बेबी, यस यस यस। इसको कोई पता नहीं एक सेकंड से हमला करता है एक मिनट पे। बट ये अब लगता है ये सोएगा, ये बैठ गया ना और इसने पोटी भी कर दिया है। और चिंटू पागल, चिंटू तो बस मैं आपको 12 o'clock मिलूंगी अपने फर्स्ट मील के साथ। मैं क्या खाती हूँ क्या पीती हूँ मैं आपको साथ शेयर करूंगी। आज का अपना वेट लॉस रूटीन फुल रूटीन शेयर करूंगी। तो चलो थोड़ी देर में मैं आपसे मिलती हूँ। A few moments later. गाइज मैं ये खाने लगी हूँ, वाटरमेलन खाने लगी हूँ। फ्रिज में से मैं अभी निकाल के लेके आई हूँ। इसको कट करते हैं पहले और थोड़ा सा पहले ये खाती हूँ मैं। और ये बहुत ठंडा है, इसको कट करते देखते हैं लाल है या नहीं। सी, देखने में तो बहुत ज़्यादा ये लाल निकला है, बहुत अच्छा निकला है। इसका टेस्ट देखेंगे कट करके कि मीठा है या नहीं। तो गाइज़ ये वाटरमेलन कट कर लिया है और देखने में सीरियसली बहुत लाल है। तो फर्स्ट मील में अपना ये लेने लगी हूँ, ये खाने लगी हूँ। उसके बाद मेरे को आधे एक घंटे बाद अभी तो भूख नहीं लगेगी, 1-2 घंटे मेरे को भूख नहीं लगेगी। जब भूख लगेगी तो मेरे पास राइस रखे हुए हैं कल के, तो मैं कर्ड राइस खाऊंगी, कर्ड राइस बना के दिखाऊंगी। तो जब भी खाऊंगी तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। अभी मैं विदाउट सॉल्ट, सॉल्ट वगैरह नहीं डाला है, तो मैं इसको खाने लगी हूँ। इसका टेस्ट करते हैं मीठा है या नहीं है। तो सीरियसली बहुत मीठा है और ठंडा है, मज़ा आ जाता है गर्मी में ये वाटरमेलन खा के। आपको ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए अपनी वेट लॉस जर्नी में। बहुत सस्ता भी मिल रहा है, 15 रुपये किलो मैं लेके आई थी, बहुत सस्ता मिला, कहीं कहीं 10 रुपये किलो भी मिल रहा है। और बहुत मीठा भी, काफ़ी पानी होता है, आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखेगा। जितना आप ये वाला फ्रूट खाएंगे आपको अच्छा लगेगा एंड सस्ती चीज़ है, ऐसा नहीं कि महंगी है। पानी पियेंगे उतनी आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी, तो आपको पानी पीते रहना चाहिए। लेकिन जब वाटरमेलन खाए तो उसके 1 घंटे तक आपको पानी नहीं पीना है, उसके 1 घंटे बाद आपको पानी पीना है। अगर आपको सॉल्ट वगैरह ऐड करना है तो आप कर सकते हैं, मैं ऐसे ही खाना प्रेफर करती हूँ। तो आराम से बैठ के मैं इसको खा लेती हूँ, फिर आगे मैं आपसे मिलती हूँ। ओ गाइस, ये बैंगन छोटे छोटे लिए, इनको कट करने लगी हूँ। बैंगन ना वैसे तो मैंने लिए थे कि ना इनको ना मैं ना फ्राई करके, मैंने आपको बोला था ना एक बार दिखाई थी रेसिपी, वैसे बनाऊंगी। बट ना मेरा वो वाला फ्राई वाला खाने का पता नहीं अचानक से प्लान कैंसिल हो गया, क्योंकि किचन में इतनी गर्मी है कि अगर आप फ्राई करोगे तो खुद ही मतलब आप पसीने से फ्राई हो जाओगे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो मैं सिंपल वाली बनाने वाली हूँ, हमारे घर में ये सिंपल वाली भी बनती है और फ्राई वाली बनती है, तो मैं सिंपल वाली बनाने वाली हूँ, बहुत टेस्टी बनेगी। तो छोटे छोटे बैंगन लिए थे, इसको मैं कट कर लूँ। और किचन में तो खड़ा होके कुछ नहीं हो रहा, बाहर हॉल में भी इवन खड़ा होके कुछ भी काम नहीं हो रहा, तो मैं रूम में ले गई हूँ। इनका रूम में कट करते हैं फिर हम बाहर बनाएंगे। तो मैं आपको रेसिपी देती हूँ इसकी कैसी बनेगी। तो बैंगन कट कर दिए हैं, बट बैंगन कट करने से भी कोई फायदा नहीं है बिकॉज लाइट चली गई है। तो मेरे को मसाला प्याज टमाटर पीसने थे, तो लाइट तो है ही नहीं और ऊपर से इतनी गर्मी हो गई, तो ये कट ऐसे कट करके रखेंगे तो काले हो जाएंगे, तो इसको पानी में डिप करके रख देते हैं। और चिंटू को मैं देख रही हूँ फैन के ऊपर बैठा हुआ है। सी, चिंटू को देखो कहाँ बैठा है। चिंटू, ओए चिंटू, तो इसका तो कुछ नहीं, कभी कहाँ बैठा होता है। और ये सोया पड़ा है फैन के ऊपर बैठ के, तो इसमें पानी डाल के रख देते हैं, पता नहीं कब आएगी लाइट। बहुत गर्मी लग रही है सीरियसली। A few moments later. तो गाइस आलू और ये बैंगन को पिघो के रखा है ताकि काले ना हो, और प्याज और टमाटर का मैंने पेस्ट पीस लिया है। लहसुन मेरे पास है नहीं, लहसुन इसमें जरूर डलता है, तो लहसुन का पेस्ट है मेरे पास, वो मैं डालूंगी। और वहां पे तेल गरम हो रहा है, बस अब हम इसका तड़का लगाएंगे, सिंपल सी सब्जी बनाएंगे और बहुत टेस्टी बनेगी। तो तेल बहुत अच्छे से गरम हो चुके हैं, अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा जीरा, और बस इसमें मैं ऐड कर दूंगी प्याज और टमाटर का पेस्ट। तो मेरे पास फ्रेश लहसुन नहीं था, तो इसमें मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दूंगी, बस इतना सा। अब अच्छे से मसाले को भून लेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें हम ऐड करेंगे नमक, मिर्ची ऐड करेंगे, वो भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें कितना मिर्ची वगैरह खाते हैं, हल्दी और धनिया पाउडर डालेंगे। दैट्स इट, अब अच्छे से मसाले को भून लेंगे जब तक तेल नहीं छूटता इसका मसाले का। तो मसाला मेरा अच्छे से भून चुके हैं, अब मैं इसमें डाल दूंगी आलू और बैंगन जो कि मैंने अच्छे से छोटे छोटे कट किए हैं।
थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे पानी, बस इतना सा। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे एंड हम इसको सिम पे बनाएंगे ढक के। गर्मा गर्म आलू बैंगन की सब्जी रेडी हो चुकी है, बस अब मैं इसके साथ बनाऊंगी एक रोटी। तो बस खाना वाना मैंने खा लिया, थोड़े से आलू बैंगन ली थी और थोड़ी सी कर्ड ली थी, दही ली थी, सैलेड ली थी, एक रोटी ली थी, बस मैंने फटाफट खा लिया। आपको लगा दिखाया नहीं, क्योंकि इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि उस टाइम पे मेरा काम आया था, मैं काम करते करते खा रही थी, आज इतना बिजी थी मैं। बस यह कि फटाफट सब्जी बन गई, शुक्र है सब्जी बन गई थी, तो एक ही रोटी मैंने खाई थी। और अभी मैंने दूध गर्म किया है क्योंकि ना दही खत्म हो गई, तो बस खट्टा रखा हुआ है, तो बस उसका वो दही जमाते हैं। अभी जमाऊंगी तो रात तक जम जाएगी, 3 to 4 hours लगते हैं, तो देखते हैं दही जमाते हैं अभी। और दही मैंने अभी फिर अंदर, मतलब सॉरी, दही ने दूध रखा है अंदर ठंडा होने के लिए, क्योंकि कोसा कोसा हो जाएगा ना, मतलब हल्का हल्का गुनगुना हो जाएगा, तब उसमें लगाएंगे खट्टा, मतलब दही। तो दही जमाती हूँ मैं, मैंने रूम में ठंडा होने के लिए रखा है ताकि हल्का सा ठंडा हो जाए ना, गुनगुना हो जाए, तब मैं इसमें कर्ड लगाऊंगी। तो 1 किलो दूध था टोंड, तो 1 गिलास मैंने निकाल लिया, कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है ओट्स वगैरह ओवरनाइट ओट्स बनाने के लिए, और दूध रखा नहीं हुआ था, तो इसमें बस मैं ये 1 चम्मच के करीब दही डाल दूंगी। ये भी घर पे बनी हुई दही है, आप इससे अगर इसके इससे ऐसे ऐसे करके इसको कर देंगे ना बहुत देर तक, मतलब 2 से 3 मिनट तक ऐसे करके, क्या बोलते हैं इसको यार आप इसको 2 से 3 मिनट तक रगड़ देंगे, लस्सी को रगड़ते हैं तो ना ये बहुत थिक बहुत अच्छी जमेगी। तो मेरे एक हाथ में फ़ोन है इसलिए मैं अच्छे से कर नहीं पा रही हूँ, बस इसको मैं रख दूंगी ये रात तक अच्छे से जम जाएगी। A few moments later. देखो कितना बर्तन मेरा भरा पड़ा, इतना ज़्यादा मेरा बर्तन हुआ पड़ा है, मैं क्या बताऊँ आपको। से गलती ये हो गई कि मेरे को पानी चलाना नहीं याद रहा, जैसे मैंने आपको बोला है कि मैं बिजी थी, मैंने खाना खाते हुए भी नहीं दिखाया, तो मैं बिजी थी, मेरे को ना 2:30 बजे पानी आता है, तो क्योंकि आज मैंने खाना लेट खाया था क्योंकि वाटरमेलन खाया होता, 2 बजे खाना खाया, उसके बाद काम करने लग गई तो पता ही नहीं चला, 4 बजे उठी जिस टाइम पे, मतलब तो उस टाइम पे पानी नहीं आया, मेरा दिमाग खराब लग रहा है, टंकी बिल्कुल खाली, हाथ धोने तक का पानी नहीं है, और मेरी हेल्पर आने वाली है, और अभी टाइम 5 बज चुके हैं, मैंने उनको फ़ोन करके मना कर दिया तो मत आना क्योंकि पानी रात को आएगा, अब 9:30-10 बजे, कभी कभी 11 बजे आता है, उससे इतनी बड़ी गलती हो गई, मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी परेशानी हो रही है, इतनी गर्मी है, पानी तो होना ही होना चाहिए, पानी की तो हर चीज़ में ज़रूरत पड़ती है जैसे कि आपको मालूम है। तो अभी बस अभी 5 बजे हैं, तो मैं अपनी कैमोमाइल टी लेके आई हूँ, भूख बिल्कुल भी नहीं है, खाना थोड़ा लेट खाया जैसे कि 2:30 बजे करीब खाना खाया है, तो बस 5 बजे है, देखूंगी 7 बजे कुछ खाया नहीं तो दूध और मखाने ही खाऊंगी। तो आज आपने मेरी मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन देखी है, और बड़ी परेशानी हो गई, बड़ा परेशानी लग रही है, क्या बताऊँ मैं आपको यार, परेशानी तो लगेगी ना यार, पानी एकदम से। चलो देखते हैं मैनेज करते हैं, तो चलो मैं आराम से ग्रीन टी पीती हूँ और मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।